कौन है? कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हारून साहब का घर है? जी हाँ। एक्चुअली हारून साहब ने हमारी कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, तो उनकी इन्वेस्टमेंट के साथ उनका प्रॉफिट का चेक मैं आपके पास लेके हाजिर हुआ था। हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता, ये उसने कब किया है? ये कुछ अरसे पहले उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी। ये हमारा है? जी जी बिल्कुल आपके ही है ये। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। रिदा, रिदा, अल्लाह ने हमारी सुन ली। पता है हारून ने ना किसी के साथ पार्टनरशिप की थी, उसके पार्टनर को पता चला कि हारून की ये हालत है, तो वो ये उसकी ना रकम देके गया, बल्कि जो प्रॉफिट है वो भी देके गया। तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन अम्मी, भाई ने तो हमें कभी नहीं बताया किसी बिजनेस के बारे में। तो पागल, उसका कोई दिमाग खराब थोड़ी है कि इतनी बड़ी रकम मुझे देखे जाएगा। जाहिर है मेरे बेटे ने उसके साथ बिजनेस किया था, तो वो देखे गया ना। बस मैं तो अब जा रही हूँ अपने बेटे को लेके इलाज करवाने के लिए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अब मेरा बेटा अपने पैरों में चलेगा। बस अब तुम्हें तुम्हें तो पिंडी भेज दूंगी आपा के पास, और जब तक हम दोनों वापस नहीं आए तुम वहीं रहोगी। क्या बात है लगी? कुछ नहीं। अरे तू रो क्यों रही हो? बस ऐसे माजी के पन्ने पलट कर देख रही थी। तो फिर क्या देखा तुमने? कुछ नहीं, मेरे माजी में कुछ है ही नहीं जो देखा जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं करती। अपने हाल में देखो, जहां तुम्हारा मुस्तकबिल खुशियां ही खुशियां लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुमसे वादा करता हूं जिंदगी में कभी तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। क्या मुस्कुरा दो, ये हुई ना बात। अरे हाँ, एक बात तुम्हें बताना भूल ही गया मैं। वो हारून की वालदा को पैसे भिजवा दिए थे मैंने, और अपने मैनेजर से कह दिया था कि उन्हें वीज़ा वगैरह की कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, तो उनका काम हो जाएगा सब। तुम्हें अल्लाह आपको इसका अजर देगा। तुम मिल गई हो ना मुझे, सब और कुछ नहीं चाहिए।